गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप लोग? आज की ब्लॉगिंग मैंने शुरू कर दिया है। समय हो रहा है 9:15 और मैं ऑफिस के लिए जाने के तैयार हूँ। लेकिन ये मेरा जो एक बदमाश बेटा है, इसका डेली का आदत चल रहा है लेट तक सोने का। ये देखिए अभी तक सोया हुआ है। इसका मुंह भी गंदा गंदा सा लग रहा है। ये हीरो नहीं लग रहा है। दिखाना जरा इधर, थोड़ा दिखाना, शक्ल दिखाना अपना। उठ जाइए, देख ये, अरे ये कौन आ गया? देखना लाइव आ गया बेटा। ये देखना कौन है, ये लाइव कौन है? देखना जरा ये देखिए तो सही, एक बार आँख खोलिए तो सही। कौन है ये तो शर्मा रहा है ये। उठिए जल्दी उठिए, पढ़ने जाना है। सॉरी पढ़ने जाना क्या, घर पे क्लास है इसका। कितने बजे से? 11 बजे से क्लास है। 9:15 होगा। अच्छा बताइए आज क्या लेके आना? मैं लेके आऊंगा थॉमस ट्रेन। ये क्या होता है? एक ट्रेन है जिसका शक्ल बना हुआ है, उस दिन देख के आया था। ये कहाँ मिलेगा? ये जहाँ से लाया था स्पाइडर, वहीं पे था। सरदार जी के दुकान में। कितना लेके आना है? 1, 2, 3, 4, 10, 20, 25 कितना? बहुत सारा। तो आप उठ के आप अच्छे से पढ़ोगे। शाम को जब मैं आऊंगा ना और मुझे पता चलेगा कि आपने अच्छे से क्लास किया, अच्छे से पढ़ाई किया है, तो दूसरे दिन आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, मैं जाऊं फिर पक्का। तो उठोगे नहीं अभी आप? ऊपर से वो गन निकाल लिए। क्या निकाल दो? ऊपर से वो गन। कौन सा गन? जो बर्थडे में तो। कौन सा गन कह रहा है ये? जो बर्थडे में गिफ्ट मिला था गन। तो गन से भी थोड़ी खेलोगे? आपका तो 17 तारीख से एग्जाम है। 17 तारीख से नहीं है, 3 तारीख से एग्जाम है। 3 तारीख से एग्जाम है और आपके 8-10 दिन बस रह गए। महीना 28 का है ये, तो आप गन से भी खेलोगे तो फिर एग्जाम कैसे दे पाओगे? दे पाओ नहीं, अच्छे से एग्जाम दोगे तो आपको और ढेर सारे गन खरीद के लेके आऊंगा मैं। होली में भी तो खरीदना है। होली में भी खरीदना है बहुत सारा। पहले आप एग्जाम तो खत्म करो अच्छे से। ठीक है, चलो अब मैं जा रहा हूँ। सो गाइस, थोड़ी देर पहले मैं जब ऑफिस में था तो मुझे फोन आया दरिया का कि साहित्या कहीं गिर गया और उसको चोट लग गई है सर पे, और कंटिन्यूसली रोए जा रहा था। मुझे उसने वीडियो कॉल भी किया था, मैंने वीडियो कॉल में देखा और रो रहा था। अभी मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ और घर के पास हूँ, बस पहुँचने वाला। तो अगर साहित्या को चोट लगी है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा उसको प्यार वगैरह थोड़ा चाहिए। तो मैंने सोचा चलो उसके लिए आज पिज्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज वगैरह कुछ लेके चलते हैं। फ्रेंच फ्राइज उसको बहुत ही पसंद है, ताकि देखे थोड़ा उसका मन खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। चोट लगी है बेचारे को, रो रहा होगा। तो बस अब 10-15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, तब उसके लिए जस्ट अब मैं पिज्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज वगैरह पैक करवा लेता हूँ। तो चोट लगा था आपको? हाँ। कैसे? बहुत जोर से यावे। कैसे? तो आप रो रहे थे मेरे को, मम्मा वीडियो कॉल कर रही थी। तो फूल गया। क्या कहाँ फूला है? यहाँ पे। वो ठीक हो जाएगा। मम्मा पापा आपके लिए गिफ्ट लाया। क्या? साड़ी। और पढ़ाई? चलो 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 पढ़ाई करो जल्दी। बोलो क्यों? थोड़ा सा लिख लो फिर मैं एक बात बताता हूँ। पता है मैं क्या ले आया हूँ आपके लिए? पहले लिखो फिर बताऊंगा। थोड़ा सा लिख लीजिए। कौन? बिरयानी? नीतू बिरयानी। नीतू बिरयानी? ये किसका नाम है? नीतू बिरयानी। चलो थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद मैं वो करता हूँ। ठीक है, लिखते हो नहीं, केवल बदमाशी करते हो यार। जल्दी लिख के दिखा दो मम्मा को। उसके बाद सारे बैठ के ना वो करेंगे, फिर सारे बैठ के उसको खोलेंगे, फिर उसमें से निकाल के पेट पूजा करेंगे। टेस्टी टेस्टी सामान है। जल्दी 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 फटाफट लिख के दिखाई, जल्दी फटाफट स्पीड में। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज। कौन लाया? पसंद है आपको फ्रेंच फ्राइज? हाँ। थोड़ा सा मेरे को भी खिलाइए फिर। क्या? बच्चों के लिए होता है। बच्चों के लिए होता है तो बड़े नहीं खाते हैं? मैं भी बच्चा ही हूँ, मुझे खिला दीजिए थोड़ा सा। हाँ जा रहे हम लोग वॉक करने के लिए, चलना आपको? नहीं। चलो थोड़ा देर वॉक करके आ जाओ। रील बनाना, उधर भी रील बनाऊंगा मैं, दुकान पे रील बनाऊंगा, शूट करना है। चलना आपको घर में, बाहर जाओ। क्या कह रहे हो? घर बाहर जाओ तो वॉक करने तो चल जाओ, घर पर आओ तो रेस्ट हो जाए। तो सुबह से रेस्ट आपने नहीं किया है? नहीं।
चलो थोड़ा थोड़ा सा वॉक कर लेना मेरे साथ, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, चलिए चलिए चलिए, थोड़ा सा कर लेना मेरे साथ, रील बनाएंगे उधर को। चलो ठीक है, फिर आप बैठ के टीवी देखो, हम लोग वॉक करके आते हैं, कहीं जाना मत, ठीक है, प्रॉमिस। आपको किसने बोला आने के लिए, आपको किसने बोला, आप तो बोले थे आप टीवी देखोगे। मैं तो अपने आ गया मैजिक से। मैजिक से? और साइकिल क्यों, कौन निकाला आपका? मैजिक से निकल गया साइकिल। सही बताओ किसने निकाला? भूत निकाला। अच्छा भूत निकाला, चलो ठीक है, एक टर्न लगा लो और चलो, ठीक है, नहीं बस एक राउंड लगा लीजिए, उसके बाद बैक कर लीजिए, खुल जाएगा। खोलिए खोलिए खोलिए, आप खोलिएगा तो मैं जान जाऊंगा आपके पास दिमाग है। थोड़ा सा अंदर को पुश कीजिए और देन राइट को टर्न कीजिए, हाँ वैसे थोड़ी दीजिए, बताऊँ आपको, देखिए हटिए हटिए बताऊँ, ये चाबी थोड़ी है, हाँ। चाबी ये है, ये चाबी है, अच्छा। देखिए इसको ऐसे लगाइए, देन देखिए खुल गया। अच्छा फिर से आपको खोलना है, हाँ। चलिए हटिए हटिए हटिए, मैं लॉक करूँ, खींचिए इसको, खींचिए खींचिए जोर से, इधर अपने तरफ, अरे दरवाजा किधर, खींचिए जोर से, हाँ खींच के रखिए, जोर से खींचिए और खींचिए और खींचिए, जान नहीं बोल, खींचिए खींच के रखो जोर से, अरे इधर खींच के ऐसे जोर से रखो, ऐसे तब पहले लॉक करता हूँ मैं, अरे इसको ऐसे खींच के रखो, खींचो जोर से, खींचोगे तब तो हाँ लॉक हो गया। अब खोलिए इसको, खोलिए खोलिए जोर से, देख अभी भी आपसे नहीं खुला, हटो देखिए खुल तो गया, अभी आप बच्चे, अभी आप बड़े नहीं हुए हैं, जब बड़े हो जाइएगा ना फिर आपसे खुलेगा, जब आप बड़े हो जाइएगा फिर आपसे खुलेगा, अभी आप बच्चे हैं, गेट आपसे खुला नहीं, और आप मेरे से कहते हो कि ये लाइए वो लाइए, ठीक है, और आप गेट आपसे नहीं खुल रहा है। अगर मान लो किसी दिन हम लोग बाहर चले गए, ठीक है, और गेट आपको लॉक करके कहीं जाना है, तो फिर आप कैसे जाओगे? लॉक लगा, तो लॉक से तब, लॉक तो आपसे लग नहीं रहा है, ना ही आपसे बंद हो रहा है, ना खुल रहा है, तो फिर कैसे होगा? फिर तो बड़ा होके करना पड़ेगा। क्या बड़ा होके? बड़ा होके बिल्कुल ताला खुलना पड़ेगा। सो गाइस साहित्या यानी टुबलू से भी लॉक नहीं लग रहा है और ना ही ये गेट खोल पाता है, और इस ये कह रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़े हो गए हो आप? नहीं। छोटे हो कि बड़े हो? बड़ा कौन है आपकी? मैं आपसे तो मैं बड़ा। नहीं नहीं, नहीं आप छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, देख लो, देख अच्छा देख, देखो मैं बैठ गया फिर आपके बराबर हुआ, देखा आपने, कौन बड़ा है? पापा। मैं बड़ा हूँ। सो गाइस ब्लॉग आज का यही खत्म करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना, कमेंट करके भी बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।